अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह टैग्स फाइंड कर सकते हैं, उन्हें गूगल से डी इंडेक्स कर सकते हैं और उन्हें नो इंडेक्स कर सकते हैं। तो टैग्स एक ऐसी चीज़ हैं जो कोई भी SEO रेकमेंड नहीं करता। ये सारे यही कहते हैं कि नहीं, आप ना क्रिएट करें, क्योंकि ये जो है इंटरनल डुप्लिकेट कंटेंट इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्सेशन इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं। तो इन्हें फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो गूगल के ज़रिए आपने जाना है साइट सेमी कॉलन आगे इन URL टैग, सॉरी कॉलन नॉट सेमी कॉलन। अच्छा, तो ये तीन टैग आ रहे हैं, इसको हम अब यहाँ से जाएंगे पोस्ट टैग्स, यहाँ से सबको करेंगे डिलीट। यहाँ से जितने टोटल है उतना ही शो करा। अच्छा जी, यहाँ सबको सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। अगर आप चाहें तो इन्हें डिलीट ना भी करें, सिर्फ नो इंडेक्स कर दें, लेकिन अगर डिलीट ना किया हो तो वो आपको वेब मास्टर में नो इंडेक्स टैग का इश्यू शो होता रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। उसके बाद आपने जाना है योस्ट में, योस्ट में हमने जाना है सर्च अपीयरेंस में। यहाँ पे आपने आगे जाना है टैक्सोनॉमीज़ में, और यहाँ पे ये यस हुआ होगा आपने इसे नो कर देना है। उसके बाद सेव। अब डी इंडेक्स भी हो गए और रिमूव भी हो गए। अब जो लास्ट चीज़ रहती है वो है गूगल से डी इंडेक्स करना। उसके लिए हमें सर्च कंसोल में जाना पड़ेगा। सर्च कंसोल में जाके आपने यहाँ पे जाना है रिमूवल्स में। उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट, क्योंकि टैग्स बहुत ज़्यादा हैं, वन नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये विद प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। टैग को ओपन करें और ये टैग स्लैश तक जितने भी हैं ये कॉपी कर लें और इन्हें यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट और सबमिट रिक्वेस्ट। तो ये अब 3-4 घंटे बाद ये सारे जितने भी टैग्स हैं गूगल में ये सारे रिमूव हो जाएंगे। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह इंप्रूव होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।